हम इंडियंस की खास बात क्या है? हम इंडियंस जाने जाते हैं हमारी मेहनत के लिए, साथ ही साथ बिगड़े हुए काम को संवारने के लिए, क्योंकि हम लोग तो जुगाड़ू होते हैं ना। बस यही जुगाड़ आज मैंने अपनी रेसिपी में भी लगा रखा है। नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज cookingexam.in के किचन में हम बनाने वाले हैं फटे दूध से रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी, जिसे हम पनीर भुर्जी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने दूध को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं विदाउट फ्रिज। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा दूध है ये फट चुका है। फटे दूध में हमें ये देखना है कि क्या ये पूरी तरीके से फट रखा है, नहीं तो इसे हमें और फाड़ना होगा। उसके बाद हम रेडी करेंगे यहाँ पर हमारा मसाला। तो मसाले के लिए हमें लेना है प्याज, मिर्च, इलायची छोटी सिर्फ दो, लेकिन बड़ी वाली 3 से 4 लेने हैं, लहसुन, रेस्टोरेंट स्टाइल बन रहा है तो काजू तो बनता है, काजू यहाँ पर हम डालेंगे और साथ में डाल लेते हैं हल्का सा पानी और बस इसका तैयार कर लेना है हमें पेस्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी ये पूरी तरीके से नहीं फटा है। जब दूध पूरे तरीके से नहीं फटा हो ना तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, बहुत कड़वा कड़वा सा लगता है कभी कभी, तो इसको हमें पूरा फाड़ना जरूरी है क्योंकि दूध हमारा गलती से भी कचरा ना जाए। इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं टार्टरी, या अगर आपके पास टार्टरी नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं विनेगर, सभी के घरों में होता है व्हाइट वाला विनेगर, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं दो में से कोई एक चीज। तो दूध को फटने देते हैं इस तरीके से, ग्रीन ग्रीन पानी को चेक करते रहे, और जैसे ही हमारा पानी ग्रीन हो जाए ना तो हमें समझ लेना है कि हमारा जो दूध है वो अच्छे से फट चुका, तो इसको भी हम फटने देते हैं। और हमारा तेल गर्म हो चुका है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा और तेज पत्ता, और एक मीडियम साइज का प्याज हमें लेना है और उसको 4 टुकड़े में डिवाइड करके इस तरीके से गर्म तेल में डाल देना है। ऐसा करने से होगा क्या कि इवनली प्याज के लच्छे अलग हो जाएंगे सेम साइज में, जिससे कि हमारी सब्जी का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और साथ में डाल देते हैं यहाँ पर ये हमारा पेस्ट। हमारे पेस्ट में डला हुआ है काजू, तो कढ़ाई में डालने के बाद हमारे फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे कि तलवे पे चिपके नहीं, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से देख सकते हैं कि लच्छे भी हमारे धीरे धीरे अलग हो रहे हैं प्याज के, और इधर हमारा जो दूध है वो भी फट चुका है। और यहीं पर हम डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में हल्दी। और ये है टमाटर पाउडर, जिसे मैंने बनाया है अपने बगीचे के टमाटर से। अब कैसे बनाना है इस पाउडर को जानना है ना, तो डिस्क्रिप्शन के डिब्बे में लिंक हमने रख दी है। और आपको एक राज की बात बताएं, टमाटर पाउडर का टेस्ट टमाटर से कई गुना अच्छा लगता है, कभी ट्राई करिएगा। जिसे आप सूप बना सकते हैं, पास्ता मसाला बना सकते हैं, और ये सब आपके लिए 24 आवर्स हाजिर है cookingexam.in के चैनल पे। तो 2 चम्मच यहाँ पर हम टमाटर पाउडर डाल देते हैं इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं पानी। पानी कितना ऐड करना है, 1 से 1.5 ग्लास। और जब उबाल आने लगे ना तो यहाँ पर हमें डाल देना है मटर। मटर की क्वांटिटी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ज्यादा रखी है, ये फ्रोजन मटर है। हल्का सा पानी और डाल दिया है मैंने, उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि इनके अंदर लम्स ना रहे भी और मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और अब इसे हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए। और इधर जो हमारा दूध है वो अच्छे से फट चुका है, तो हमें छान जरूर से लेना है। पानी को हमें फेंक देना है क्योंकि इसके अंदर होगी कड़वाहट, पानी में बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करना। और साथ में हल्का सा डाल देते हैं पानी, फ्रेश पानी, जिससे कि अच्छे से ये धुल जाए, इसके अंदर की कड़वाहट भी हट जाए, कम हो जाए। और बस जैसे ही अच्छे से उबाल आने लगे 6 से 7 मिनट के बाद यहाँ पर डाल देना है हमारे इस
फटे हुए दूध को भी, और अच्छे से मिक्स जरूर से कर लेना है क्योंकि ये थोड़े से आपस में मिले जुले हैं ना, तो इन्हें हमें अलग करना है मिक्स करते हुए। और साथ में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कोई भी सब्जी मसाला जो कि हमारे घर पे अवेलेबल होगा। और अच्छे से मिक्स करना है एक से दो मिनट के लिए, फिर से इसे हमें ढक देना है। और जब इस तरीके से ऑयल सेपरेट होने लगे ना हमारी सब्जी में, तो समझ जाइए परफेक्ट कुक हुआ है। तो सहन साहेब पनीर भुर्जी आपके सामने हाजिर है। क्या इस सब्जी को देखकर आप बता सकते हैं कि मैंने फटे हुए दूध से बनाई है? नहीं ना, इसकी थिकनेस मैंने ये रखी है। और इनका साथ कौन निभाएगा? इनका साथ निभाने के लिए आते हैं गर्मा गर्म घी लगी हुई रोटियां और साथ में चावल। तो ये रही गर्मा गर्म रोटियों के साथ पहली बाइट आपके लिए। हमारा दूध ना फटे या फिर इसे हमें लंबे समय तक बनाए रखना है विदाउट फ्रिज, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। पहला, जिस बर्तन में हम दूध पकाते हैं उसे अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध तो हम हमेशा एक ही बर्तन में पकाते हैं। कभी कभी दूध फटने का रीजन ये भी होता है कि पुराना दूध उसमें लगा होता है, उसकी वजह से भी हमारा दूध जो है वो फट जाता है। दूसरा, जिस बर्तन में हम दूध पकाने जा रहे हैं ना, उसमें पहले हमें 3-4 चम्मच पानी जरूर डाल देना है। ऐसा करने से हमारे दूध की मलाई नीचे यानी कि बर्तन के तलवे पर नहीं लगते। तीसरा, 24 घंटे में हमें हमारे दूध को 3-4 बार उबालना बहुत जरूरी है, और दूध को हमेशा लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे पकाना चाहिए। आपको याद है हमारे पुराने टाइम में हमारी दादी नानी क्या करती थी? पहले एक तरह की गुड़ सी बनाई जाती थी, वॉल में छेद करके गुड़ सी बनाई जाती थी, उसमें कंडी को सुलगा के रख दिया जाता था, कंडी को जला के रख दिया जाता था, और फिर उसी कंडी के गर्माहट में दूध को छोड़ दिया जाता था। पूरे दिन दिन भर वो उसी गुड़ सी के अंदर पड़ा रहता था। मुझे आज भी याद है, मैंने ये चीज अपने नानी के घर भी देखी है और अपने दादी के घर भी। आज के डेट में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा अपने दूध को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है गैस पर, और 3-4 बार गर्म जरूर करना है। और जब दूध हमारा अच्छे से उबल जाए ना, तो हल्का सा खुला रख कर ही ढकना है। कई बार तुरंत उबले हुए दूध को पूरा का पूरा ढक देने की वजह से भी हमारा दूध फट जाता है। और जो पैकेट वाले दूध होते हैं ना, इन्हें बहुत ज्यादा देर तक या फिर ये कह लें कि इन्हें बहुत बार भी नहीं गर्म करना चाहिए, अदरवाइज इनके सारे के सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। और यदि साइंस की माने तो पैकेट वाले दूध को कुछ घंटों में ही खत्म करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इनके साथ 24 घंटा नहीं, इनके साथ 12 घंटा बिताना भी पाप है। और अगर आज का जुगाड़ पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।